ऋषि मुनि के बारे में कुछ बताना नहीं है, वो सब पर्दे पे दिखेगा। एक 80 साल के उम्र के किरदार को करना था मुझे, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बुलाया, मैं किया उसको। और पहले तो होली के आप लोगों को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला होली मिलन समारोह हम लोग कर रहे हैं, और जो सोचे रितेश जी, नेहा जी कि हम लोग होली मिलन समारोह करना चाहिए पत्रकारों के साथ में, मीडिया के साथ में, वो हम लोग कर रहे हैं। तो इसको सबको करना चाहिए, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को करना चाहिए एक होली मिलन समारोह, जिसमें सब लोग रहें और अपने अपने जगह पे आप सबको मनाना चाहिए। फिल्म अच्छी बनी है, फिल्म में हम लोग साथ में रहे, शूटिंग के बाद भी हम लोग साथ में रहे, लेकिन प्रोड्यूसर थोड़ा कड़क है, जो डायरेक्टर साहब बोले हैं, मुझे नहीं लगा। मुझे तो बहुत प्यार से एज ए आर्टिस्ट जैसे रहती थी, अभी भी उसी तरह से हैं, एज ए दोस्त हैं हम लोग। तो मैं तो चाहूंगा जो महीने में एक फिल्म मारते रहो। जैसे कि गांव के होली को मिस करते हैं आप, जैसे मुंबई में गांव की होली तो बहुत मिस कर ले भाई जी, बॉम्बे में होली होता नहीं है, ये होली हम लोग खेले नहीं है अबीर, और वहाँ होली होता है किचन में ले उठा पटाख एकदम मारो झगड़ा तक हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन सब सब लोग एक होते हैं, और वो एक एक दिन का मजा है जो हम लोग मिस करते हैं मुंबई में। विकास जी, बात करें जिस तरह से बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा ने भोजपुरी फिल्म बनानी शुरू किया है, तो उस तरह से राजस्थानी क्वीन होकर इन्होंने भोजपुरी में प्रोडक्शन चालू कर भोजपुरी फिल्म बनाना शुरू किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने बिजनेस के हिसाब से वो आके फिल्म बनाई है, वो बिजनेस के लिए आके फिल्म बनाई, इन्होंने बिजनेस के लिए नहीं बनाया, ये एज ए आर्टिस्ट भोजपुरी की थी हैं, और मुझे लगता है कभी भी रहेंगी। प्रोड्यूसर आज बनी है, पहले भी इनके बहुत बड़ी हिट हुई थी फिल्म साइन चले ससुराल। तो जो भोजपुरी आर्टिस्ट हैं अगर प्रोड्यूस की, तो ये खुशी की बात है जी, इनको अच्छा लगा, फिल्म में प्रॉफिट है, इनको लगा होगा जी मेरी बात को नहीं लोग सुन रहे हैं तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए, इनकी स्क्रिप्ट भी अच्छी है, और इन्होंने प्रोड्यूस किया, एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया पब्लिक में, और हम लोग उसको इंतजार करेंगे जब रिलीज होगा। तो राजस्थानी फिल्म जो है छोरी नंबर वन है, और जो भोजपुरी में भी शूट हुई है वो है चना जोर गरम, जिसके डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी हैं। रितेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज